kids, myself Asha Rathod, and today we are going to learn one more chapter from this book, Etiquette's book. Lesson number 3. Keep the belongings safe. Belongings means हमारी जो भी चीजें हैं, इसे क्या बोलते हैं, हमारे आसपास की चीजें हैं, इसे क्या बोलते हैं, belongings. और उसे सेफ रखना है. कैसे रखना है? अच्छे से, जैसे ऐसे इधर उधर थ्रो करना है वैसा नहीं. ओके, कीप योर बिलोंगिंग्स क्लीन एंड सेफ. हमारी जो भी चीजें हैं, कपड़े हैं, आसपास की चीजें हैं, उसे क्या रखना है, क्लीन रखना है, साफ रखना है और अच्छे से रखना है. दैट हैंग योर क्लोथ्स. हैंग करना यानी लगाना, क्लोथ्स को अच्छे से लगाना है. ऑन क्लोथ्स हैंगर और कीप देम क्लोजेस्ट. हमारे जो भी कपड़े हैं हमें इधर उधर थ्रो नहीं करना है, उसको हैंगर में अच्छे से फ्रेश फ्रेश करके अच्छे से हैंग करना है. डू नॉट ड्रैग द चेयर. जनरली व्हाट वी आर डूइंग, हम अगर कहीं पे भी जाते हैं, घर पे भी जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे चेयर को ऐसे ड्रैग करते हैं, तो वो गंदी सी आवाज आती है. यस, वी आर डूइंग दैट वे ओनली. नो, तो वी शुड नॉट डू दैट. हमें चेयर को ऐसे सॉफ्टली उठा के रखनी है ताकि उसमें से आवाज ना आए. आफ्टर गेटिंग अप, रीअरेंज द बैग. व्हाट वी आर डूइंग, हम जब से सुबह उठते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग, हम सब मम्मा पे छोड़ देते हैं, बट नो, वी हैव टू, हमें हमारा बेड, उसकी जो भी चद्दर है वो भी अच्छे से ठीक करनी है. हमें हमारा जो बेड है वो अरेंज करना है. एंड द लास्ट वन इज मेक योर बेड फॉर स्लीपिंग. हम जब घर पे जाते हैं तो भी मम्मा को बोलते हैं ना, मम्मा ये सब करके देती है हमें, तो ना, नाउ वी आर ग्रोन अप, तो वी हैव टू अरेंज अवर बेड प्रॉपरली. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न हाउ टू क्लीन एंड हाउ टू सेफ अवर बिलोंगिंग्स. थैंक यू.